जैसा कि मैंने आप भी बताया और आपको टाइटल में भी दिख रहा है, Q&A स्पेशल एंड गिव अवे। गिव अवे क्या होगा उसको लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, Q&As देखने पड़ेंगे। आज के Q&As बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हैं मुझे और उसके आंसर मैं दूंगा। आज थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसके आंसर मैंने आज तक कभी दिए नहीं, तो उनके क्वेश्चन का आंसर देते और शुरू करते आज का ब्लॉग। भाई हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है Q&A स्पेशल वो, तो चलते हैं और हमारा फोन निकालते हैं क्योंकि इसके अंदर ही है मेरे, मैंने लिख के नहीं रखा हुआ है क्वेश्चन, जो भी है मोबाइल फोन से ही बताऊंगा, किसने आंसर किया वो नहीं बताऊंगा, थोड़ा प्राइवेसी रखते हैं। बनाता हूँ और क्या आपको पता है मोबाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चल दूर आश, चल मेरे साथ बहुत दूर कर, चलिए शुरू करते देवी और संजनो। आज के दिन का पहला क्वेश्चन मेरे मोबाइल के स्क्रीन से आपके स्क्रीन पे, ये 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह। यू लुक हैंडसम विद बियर्ड। झले पे नमक मत डालो, 10 दिन में बियर्ड उगा के दिखाऊंगा भी। झले पे नमक मत डालो। बर्थडे की पार्टी कहाँ? जिसने भी पूछा है वो मेरे सामने है, मैं उसका नाम ले लूंगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा बर्थडे चला गया और मैडम ने बहुत एंजॉय भी किया था, मैडम ने केक भी खाया था, चार चार अलग अलग। अभी देखो कोई बोल नहीं रहा है। पार्टी हो गया मैडम, आपको पार्टी मिल गया। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देवी और संजनो। सज्जनो सज्जनो, अमित जी बहुत एकदम हार्ड वर्ड बोलते हैं, बिजी लोग। हाँ बिजी है भाई, कभी तो यूट्यूब भी स्टार्ट हो गया और हमारा ऑफिस भी है, सबको पता भी है। तो ये क्वेश्चन मेरा जो बोले ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई रिसेंट क्रश? यस रिसेंट क्रश तो है। एक मिनट कैमरामैन मेरे पीछे पीछे आओ, आइए आइए मेरे पीछे पीछे आइए। आज पब्लिक को मेरा रिसेंट क्रश जानना है ना, तो बता दो मेरा रिसेंट क्रश मैंगो। अभी गर्मियों के सीजन और मैंगो के सीजन में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा क्रश है। What motivates you to work hard? देखो भाई मोटिवेशन तो किधर से मिल सकता है, जैसा मेरी बात करूँ तो मुझे सुबह उठ के वर्कआउट करने से मोटिवेशन मिलता है, पूरा दिन अच्छा काम करने से मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए अलग अलग और डेली नए नए ब्लॉग्स डालने से, मतलब अभी फ़िलहाल डेली पर ऐसे ही नए नए ब्लॉग डालने से मोटिवेशन मिलता है क्योंकि आप लोग बहुत प्यार देते हो और आप लोग के लिए मुझे डेली कमिटमेंट के साथ ब्लॉग डालना पड़ता है, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन है, आई हैव टू डू इट। अगला क्वेश्चन, डू यू नो हाउ टू कुक दाल? पार्टी के लिए कब बुला रहा है? मैडम आप मारवाड़ी हो, ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि दाल पार्टी के लिए कब बुला रहे हो, पर आपने तो उल्टा गेम खेल लिया। चालू ऐसा मेरे को कुक करने नहीं आता, ऐसे थोड़ा बहुत टाइम पास कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर मेन गोल्स एंड प्लान्स फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अगर मैं गोल्स की बात करूँ तो गोल्स थोड़े मैंने हाई सेट करके रखे हुए हैं। अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब के बेसिस पे मैं आज से अगर मैं कुछ साल, मतलब 2-3 साल की अगर बात करता हूँ तो यूट्यूब चैनल में बहुत ही आगे देखता हूँ और उसको ले उधर तक जाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। और सेकेंडली आई एम फ्रॉम IT इंडस्ट्री, सो मैं खुद को एक दो, मतलब 2-3 साल में कोई अच्छी पोजीशन पे, कोई अच्छी कंपनी पे काम करना है। और खुद के गोल सेट करो, खुद के लाइफस्टाइल को सेट करो, खुद आप अपने आप को किधर देखते हो, आप गोल सेट करो, अचीव करो और फिर कंपेयर करो, आपको और मोटिवेशन मिलेगा जैसा मुझे भी मिलता है, मैंने भी कुछ गोल सेट किए थे अचीव कर लिया है। अगला क्वेश्चन थोड़ा खास है, बहुत ही एक खास बंदे ने पूछा है और रिवेंज ले रहा है वो भी मेरे को पता है। उसका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
साले जोशना मैम को कंप्लेन करता है कि ये पैसा खर्चा करने का आइडिया सिर्फ पूरब का था SY में। अरे भाई साहब, अगर तू वो चीज अभी याद दिलाएगा तो वो तो हम वो किनारा छोड़ चुके है ना, तेरे को भी पता है वो किनारा तो हम छोड़ चुके। और उस टाइम पे जो हुआ था वो एक जन की वजह से नहीं हुआ था, दो तीन चार पांच लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था, वो तो छोड़। और सच बात बताऊँ ना तो हमारा बॉन्ड उस इंसिडेंट के बाद ही स्ट्रांग हुआ है, तो उसको हमें आगे लेके जाना है। साले तू मिल मुझे, मैं देखता हूँ, और जो तूने SS लिए है ना, स्क्रीनशॉट लिए ना, उसको डिलीट कर। नेम द पर्सन पुराओ, वन एंड ओनली द पुराओ शेट। What are the top three things that stress you out? देखो मुझे कुछ स्ट्रेस नहीं होता है, अभी थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल था रहे दिन, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है मेरे कमिटमेंट के हिसाब से आप लोग के लिए, बट उसको हम स्ट्रेसफुल नहीं बोल सकते क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो ही आपको हैप्पीनेस देता है, जैसे मुझे वो ही हैप्पीनेस देता है। और ऐसा तो कुछ स्ट्रेस नहीं है यार, मतलब सच में कोई ऐसा कुछ स्ट्रेस है नहीं, मैं स्ट्रेस लेता ही नहीं, मैं ऐसी बातों पर डिस्कशन करता ही नहीं। बट आप भी पॉजिटिव माइंडसेट में रहो, पॉजिटिव सोचो और अच्छा काम करो, जितना आप दिमाग में इम्पैक्ट पड़ने दोगे कुछ प्रॉब्लम का उतना स्ट्रेस होएगा, तो इम्पैक्ट पड़ने ही मत। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मुर्गी पहले कि अंडा पहले आया? डैडी यस, मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया? अंडा पहले आया ना, अंडा रहेगा तो मुर्गी बनेगी ना, तो अंडा भी तो मुर्गी ने ही दिया ना। अरे मुर्गी ने दिया, हाँ तो पहले मुर्गी आई ना, मुर्गी आई तो पहला कोई भी अंडे में से मुर्गी आई ना, हाँ तो वो मुर्गी अंडा, दो अंडा में किसी मुर्गी का ही होगा ना, तो पहले मुर्गी, अब पता नहीं, अब 50-50 कर लेते और क्या। मैं मेरे पास कोई आंसर नहीं है, मुर्गी या अंडा, मुर्गा ही होगा, मुर्गी विर्गी जो कुछ भी है। इसको क्वेश्चन तो मेरे डैडी को नहीं मालूम, मेरे पिताजी को नहीं मालूम, तो मुझे क्या मालूम होगा, बट मुर्गी अंडा 50-50 अंडा, अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया। ये क्वेश्चन आपके लिए, कैन आई गेट अ चांस टू डांस विद योर डैड? अरे पहले मेरे साथ डांस कर लो भाई, बाद में मेरे डैड के साथ डांस कर। ये क्वेश्चन क्यों आया वो भी मैं बताता हूँ, लास्ट वीडियो में, मतलब मेरा बर्थडे वाले ब्लॉग में मेरे डैड ने सबसे अच्छा डांस किया, मतलब सबसे अच्छा डांस किया था। अगला क्वेश्चन, आई होप यू आंसर माई क्वेश्चन एंड द वीडियो इज नॉट ऑलरेडी एडिटेड। पता चल गया सर वो आंसर ही नहीं है, बस वीडियो आएगा आज रात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी आया क्या? भाई ऐसा सवाल कौन पूछता है यार, मतलब अभी ये तो पूरे दुनिया को पता चल जाएगा कि मतलब सैलरी नहीं आया, और कितने महीने का नहीं आया कमेंट करके तू ही बताना मेरे को कितने महीने का सैलरी नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर बिगेस्ट फियर? माय बिगेस्ट फियर राइट नाउ इज दैट इन द सिचुएशन आई डोंट वांट टू लूज एनीवन, आई डोंट वांट टू लूज माय फैमिली मेंबर्स, आई डोंट वांट टू लूज माय फ्रेंड्स, बिकॉज मैंने ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस और इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पे पीपल लूज देयर फैमिली, व्हिच इज वेरी सैड, एंड exactly like I don't want to lose, you also don't want to lose, so be home, take care, stay safe and take proper precautions whenever you go out, and go out whenever it is necessary, please। और sarcastically अगर मैं बताऊँ, ये बताना तो नहीं चाहिए पर मेरे दो बर्थडे तो लॉकडाउन में चले गए हैं, और मुझे मेरे तीसरा बर्थडे लॉकडाउन में नहीं मानना है, ड्रिंक नहीं मानना है यार, पूरा जा तू यार, दिमाग खराब कर रहा है यार दो साल से। Next question is one YouTuber you like to watch? Not one, there are many YouTubers. Means मतलब different categories के best YouTubers को मैं देखता हूँ। जैसे अगर मैं rides के बारे में बात करूँ तो there are two to three mainly YouTubers, मुंबई का निखिल, जट प्रभजोत एंड MSA मोहम्मद सलीम खान। And if I talk about daily vlogging and lifestyle vlogging, I follow गौरव तनेजा। Your dream date would be like? अगला सवाल, ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। ड्रीम डेट की बात करो तो मेरा ड्रीम डेट तो मतलब ऐसा बीच साइड पे ऐसा मस्त कैंप्स एंड ऑल लगा के मस्त लाइटिंग वाइटिंग और उसमें मस्त आराम से पी
यार वो दिन आने से रहा वो दिन आने से रहा। अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल, व्हाट इज द गिव अवे अबाउट? गिव अवे उसका एक्चुअली मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, पर मैं मेन गिव अवे का पोस्ट एंड एवरीथिंग आई विल कीप इन डिटेल कल के मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे। सो अभी तक आपने अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो ये मेरा आइडिया, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। आपको मेरे पर्सनल लाइफ, मेरे ब्लॉगिंग लाइफ और मेरा जो भी यूट्यूब के रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेगा वो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। वीडियो आने वाला है या नहीं आने वाला वो सब, पर अभी मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। 2 लकी सब्सक्राइबर्स विल गेट अ स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम मी, वो भी 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तभी। सो यू टेक इट एज अ स्टंट और आई टेक इट एज अ स्टंट। अगर 500 सब्सक्राइबर्स हो जाते मेरे एंड ऑफ जून तक तो मैं गिव अवे रखूँगा। गिव अवे तो रख ही रहा हूँ, पर 500 सब्सक्राइबर्स हो ही जाने चाहिए। अगर 500 सब्सक्राइबर्स हो गए तो उन 500 में से मैं 2 लोग को चूज करूँगा, उनको पर्सनली नहीं तो कुरियर करूँगा ये वाला मेरा स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट। और ट्रस्ट मी ये फेक नहीं है, मैं ऐसे से बोलने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैंने कुछ सोचा है बहुत ही अच्छा कुछ तो सोचा है, वो ही मैं उनको सरप्राइज दूंगा। सो यस, इफ यू वांट वन सरप्राइज देन स्टे अपडेटेड ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ भी मैं अनाउंस करूँगा। सो यू हैव टू बी देयर, नॉट योर, यू हैव टू बी देयर। ओके गाइस, तो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन क्लिक कर देना, सो दैट आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। टिल देन बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।